उत्तर प्रदेश के रामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में उनके ही अधिकारी चंद रुपयों के लिए गौ तस्करों को गाय बेच देते हैं। यह मामला तब सामने आया जब गौ तस्कर रामपुर के स्वार क्षेत्र के मसवासी से बिजर खाता गाय को लेकर जा रहे थे। तभी आक्रोशित ग्रामीणों ने उसे रोका और गाय को ले जाने के कागज मांगे, जो वो नहीं दिखा पाए। उधर अधिकारी अपने आप को बचाने के लिए ऑफ कैमरा बोल रहे हैं कि हमने किसान को गाय पालने के लिए दी है। फिलहाल इस मामले की शिकायत नगर पंचायत अध्यक्ष ने अपने सदस्यों के साथ बैठक कर एसपी रामकुमार और डीएम से दी है। बताते चले कि मामला मसवासी नगर पंचायत का है, जहां अधिशासी अधिकारी अवधेश कुमार मिश्रा एवं पशु चिकित्सालय के चिकित्सक डॉक्टर सुनील कुमार द्वारा गौशाला से गोकशी करने के लिए पशु तस्कर को गाय बेचे जाने का मामला प्रकाश में आया है, जिससे लोगों में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। नगर पंचायत मसवासी में अस्थाई गौशाला है, जहां पर कम गाय ही बंधी रहती है। आरोप है कि पशु चिकित्सालय के चिकित्सक डॉक्टर सुनील कुमार ने नगर पंचायत मसवासी के अधिशासी अधिकारी अवधेश मिश्रा से सांठगांठ करके पशु तस्कर को गाय बेच दी। लोगों का कहना है कि जब नगर में 2 करोड़ की लागत से गौशाला बन रही है, तब ऐसे माहौल में भी अधिशासी अधिकारियों चिकित्सक द्वारा गायों को बेचा जा रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। वहीं बता दें कि दोनों अधिकारियों के खिलाफ दर्जनों लोगों द्वारा एफआईआर के लिए तहरीर दी जा चुकी है। रामपुर से संवाददाता रवि सैनी की रिपोर्ट। मसवासी से लेकर डॉक्टर साहब ने दी हमें पाले, उसमें से दी, क्या नाम है उसका, गौशाला से, और सब काम मेरा पक्का कराया था, सैनून भी कराए, डॉक्टर साहब को बुला लिया, डॉक्टर साहब भी आ गए और वो आ रहे हैं। अब वो रसीद नहीं दिए मेरे सर। किसने न दी थी? डॉक्टर साहब का रानी। क्या गए पालने? इससे कुछ नहीं मांगा, नहीं कहने, मुझे कुछ नहीं दिया। अच्छा, हाँ, तो इससे कह दी तुम लेकर चलो। वो दूसरा वाला लड़का डॉक्टर जो है वो मुझे मसवासी यहाँ से निकाल के गए, वो बोले तुम ले जाओ। ये जानकारी हमारे सामने, इसका संज्ञान लिया है। संज्ञान को लेते हुए हमारे बोर्ड की आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। उस बैठक में हमने पूरी जानकारी ली। जो हमारे वहाँ पर गौशाला पे कर्मचारी रहते हैं, जो उसको वहाँ पर रहते हैं, उनसे हमने अभी उनसे जानकारी ली। भाई आपने ये गाय किसके कहने पे घुलवाई? बोले पशु चिकित्सक यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि यहाँ डॉक्टर ने कि हमारी यो साहब से बात हो गई है। फिर भी वो कर्मचारी बोले कि यो साहब से बात भली आपकी हो गई है, हमारी बात कराइए। जब यो साहब से उन कर्मचारियों की दोनों की बात हुई, तब उन्होंने वो गाय खुलवाई। उन्होंने ये जानकारी अभी हमारे पूरे बोर्ड ने उनके बयान भी लिए। उन्होंने बताया यो साहब के कहने पर ही हमने गाय खोल के दी है, और जब वो गाय यहाँ से पता चला कि बिजार खाते तक पास कराई, वहाँ जंगल में लेकर कुछ लोगों ने कि कुछ गोकसी के लिए गाय जा रही है, उन लोगों ने आक्रोश में वहाँ पकड़ा। और जब जानकारी हुई कि वो जो है मसवासी से यो साहब द्वारा गाय दी गई है, तो पता चला उन लोगों ने यही बताया कि हम खरीद के लाए हैं, हमने 10,000 में गाय खरीदी है। ऐसे उन्हीं के कहने पे, उन्हीं की जानकारी अभी मिली है, उसको हमने आपातकालीन बैठक बुलाकर जिसने ये गलत कृत्य किया है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गोकशी पर और गो हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध कर रखा है, और उसके लिए मेरी नगर पंचायत को 500 गायों की गौशाला मिली है, उसका निर्माण कार्य चल रहा है। हमने अस्थायी गौशाला यहाँ पर आश्रित पशुओं के लिए बनाई गई है, उसमें आश्रित पशु हैं, और बिना बोर्ड की इजाज़त के, बिना चेयरमैन की इजाज़त के ये कृत्य हुआ है। इस घटना को पूरा संज्ञान लेते हुए बैठक की गई है, इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कानून से कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई, कानून कार्रवाई कराई जाएगी। ऐसा ना, उन्होंने अपने खुद निर्णय लिया है, हमारी इससे कोई, हमारे बोर्ड को या हमारे किसी भी तरह का इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए संज्ञान लेकर आपातकालीन बैठक बुलाई गई, कार्रवाई की जाएगी। तो इस पर पूरे बोर्ड ने निर्णय लिया, जो इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden.
World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.